वेलकम टू माई फर्स्ट व्लॉग। और इससे पहले भी मैं फर्स्ट व्लॉग बोल के बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। पहला व्लॉग मैंने यहीं पर शूट किया था, वो जिस मोबाइल में था वो मोबाइल मेरा टूट चुका है, दोनों मोबाइल मेरे टूट चुके हैं। तो जितने भी मैंने अपने व्लॉग चैनल की वीडियोस बनाई थी वो सारी उस मोबाइल में चली गई, डाटा रिकवर नहीं हो पाया क्योंकि मोबाइल बहुत बुरी तरह से टूट गया था मेरा। और ये मैंने चार जो मैं व्लॉग अब आप देखने वाले हैं वो मैंने 4 जनवरी को शूट किया था, लेकिन व्लॉग चैनल बनाना इतना आसान नहीं है। अब इस पर काम कर रही हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि व्लॉग चैनल बनाना बहुत टफ है, डेली की डेली वीडियो अपलोड करनी बहुत टफ है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं डेली व्लॉग शूट कर पाऊँगी, पर अगर हफ्ते में मैं 4 भी वीडियो बना पाई तो ठीक रहेगा ये मेरे व्लॉग चैनल के लिए। क्योंकि मेरा एक और चैनल भी है ना कि पाठशाला, उस पर भी मुझे डेली वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। घर का काम, दो चैनल चलाना आसान नहीं है, पर फिर भी मुझे हार्डवर्क करना है तो करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा व्लॉग चैनल पसंद आएगा। अभी जो आप वीडियो आगे देखेंगे उसमें मेरे को इतना परफेक्ट वो लग नहीं रहा है क्योंकि नया नया व्लॉग चैनल है, उसमें ना खड़े होने का तरीका है ना बात करने का, मुझे खुद में उतना अच्छा नहीं लगा। पर कोई बात नहीं, पहला व्लॉग चैनल है तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। राधे राधे। बोलो। 3 घंटे लेट हो गई है और हमारा ठंड से बुरा हाल है। जैकेट पहन के आई, जैकेट पहनना भूल गई है, स्वेटर पहन आई हूँ और चुज्जी की, इसको वजह से ठंडी नहीं लग रही है। चलो बाय। हे गाइस, मैं उनका बेटा हूँ सिद्धार्थ। अभी हमें रैंप से नीचे उतर है एंड हमारी ट्रेन आने वाली है बस कुछ ही देर। और हरिद्वार किसी को जाना है तो मुरादाबाद अगर आते हैं तो उपासना ट्रेन के चक्कर में तो नहीं पड़े, बस से चले जाएं वो बेहतर है। 3 घंटे तक वेट करना पड़ रहा है गाइज। अभी 3 घंटे हो चुके हैं और ये ट्रेन ये यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी चल रही है, फिर वो चल गई। अब जब ये जाएगी तब आएगी हमारी ट्रेन। और ये जब ये सस्ते के चक्कर में पड़ते हैं ना तो ऐसे ही होता है। वैसे तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है उपासना, लेकिन हमने सोचा बस का किराया महंगा होगा। अब तो 3 घंटा लेट हो गया है, इससे अच्छा बस से ही चले जाते हैं। बस से जल्दी पहुंचते हैं एक्चुअली, और अच्छे नज़ारे भी आते हैं। अभी भी नहीं आ रही है ये ट्रेन, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, इससे तो जाना ही नहीं है, बेकार ट्रेन से। बेसिकली मैं बता देता हूँ, हम जा रहे हैं हरिद्वार नए साल पे, ऐसे घूमने का मन कर रहा था तो हम आ गए एंड हमारी ट्रेन आने वाली है। बस फाइनली यहाँ जो ट्रेन खड़ी थी ये चले गई, और कसम से इसमें 200 डब्बे थे भाई, इतने ज़्यादा भाई। दो ट्रेन लाइक दो ट्रेन चिपका रखी थी आपस में, जो मैग्नेट्स होते हैं उनके आगे भाई। बहुत लंबी ट्रेन थी ये। अभी देखते हैं कब तक आती है हमारी ट्रेन। अभी भी स्टेशन पे खड़े हैं, अभी भी ट्रेन नहीं आई है और लेट हो जा रही है। अभी इधर से 10 किलोमीटर दूर है, देखते कब तक आती है। बहुत लेट हो चुका है अब। सीधा टाइम क्या हुआ है? जोर से बोलो। टाइम क्या हुआ? 7। बोलो जोर से थोड़ा। इतनी कंजूसी भी करनी नहीं चाहिए। 7 बजे पहुँचे हैं मुरादाबाद में। उपासना का ट्रेन का टाइम था 1 बजे, आई है 3:30 बजे, और सुपर फास्ट ट्रेन थी 3:30, 4:30, 5:30, 6:30। 4 घंटे लगा दिए हरिद्वार आने में। कंजूसी करो तो सोच समझ के करो, मैं बेवकूफ़ बच्चों के साथ। ओ भाई ये तो इतना लेट हो गई, ऊपर से इतनी ठंड। अभी कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, फिर जाएंगे अपना